एक फंडा कॉल ले लेते हैं, मयूरेश जोशी के पास चलते हैं। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पसंदीदा पिक। मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। हमें मार्केट्स पर इंडिया में IRCTC काफी पसंद आ रहा है। दो तीन चीजें, आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले तिमाही में आई थी 1150 करोड़ के आसपास, वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स केटरिंग और टूरिज्म के सब सेगमेंट्स थे। केटरिंग के इबिट्टा मार्जिन लगभग 15.5% के आसपास आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े घटे हैं बिकॉज देर वॉज अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, बट आई थिंक ये शुड शो साइंस ऑफ रिकवरी अगले कुछ तिमाहियों में। टूरिज्म का जो बिजनेस का मार्जिन आया है 12.10%, आई थिंक दैट्स बेटर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर। और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं, जो 3 प्लांट्स रेल नील के ऑपरेशनल होंगे, रेल नील का बेटा परफॉर्मेंस एट 13.5% वाज आल्सो एक्सेप्शनली गुड। इंटरनेट टिकटिंग एज यूजुअल 85% मार्जिन का बिजनेस है, विच इज अ स्टेडी स्टेट बिजनेस। And this quarter, I think, is expected to be one of the best quarters for a busy travel season hoga all across India. Expectations of more Vande Bharat trains expected. Jo naya tourism ka business hai, specifically, I think, jo tirth tourism ko leke, I think that should also show significant traction. And generally, I think, jo earnings growth aani chahiye, bahut steady state aani chahiye agle kuch timaiyon tak. ROEs kaafi strong rehte hain business ke, kyunki working capital bahut zyada hoti nahi hai. और इसलिए 40% की आर ओ इज समथिंग दैट दिस कंपनी शुड रिपोर्ट। आई थिंक काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम कैंसलिंग में देखते हैं स्टॉक के पास है, हमें लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 18-20% के हम अपसाइड देख रहे हैं। द स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 935। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया है, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। अच्छा मयूरेश, HDFC बैंक है भाई सबसे बड़ा हैवी वेट, आप लोग ऐड कर रहे हो या करा ऑफ लेट ये 1400-1500 की जर्नी के बीच में? नहीं, आई थिंक वी वर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स और द रिजल्ट्स ठीक ठाक है एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो एक्सेस इनकम आई है, जो अदर इनकम आई है, उन्होंने वो एक्सेस प्रोविजनिंग के लिए लगा दी है। रिकवरी के अनुमान यही है कि सेकेंड हाफ में शायद होने चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो एक मर्जर सिनर्जीज को एक समय लगता है, वो थोड़ा देना पड़ेगा बैंक के लिए। एंड अगेन आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन सारी स्ट्रीट बांध के चल रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में जब रेट कट्स का सिलसिला चालू होगा, क्वांटम माइट बी डिबेटेबल एट दिस जंक्चर, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज दैट स्टार्ट्स, एक निम स्प्रेड में सुधार आने लग जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक सेकेंड हाफ से एक रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। आई थिंक वी आर स्टिल ट्राइंग टू एनालाइज द नंबर्स इन डिटेल। तो आप लोग पैनिक में नहीं हो कि कहीं ऐसा ना हो भाव निकल जाए हाथ से? क्लैरिटी आए तो ज्यादा बेहतर है। ओके, हम मयूरेश रहते हैं पैनल पे, जब ये लोग श्योर हो जाएंगे तब भी समझेंगे क्यों और अब आउटलुक क्या है, लेकिन ये फंडामेंटली व्यू है, हो सकता है सेकेंड हाफ में ग्रोथ लौट के आए, पर पोजिशनली लग रहा है और तेजी और दमखम है इस स्टॉक की चार्ट्स को देखकर। मयूरेश, आप भी अपोलो हॉस्पिटल लेके आए क्या? स्टॉक अच्छा लग रहा है, सो बेचा है। अच्छा, आज का पिक आपका? तो L&T समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग। हमें लगता है कैपिटल गुड स्पेस में लार्सन जो एक प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी की, इसको जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। पुल बैक्स पे ये आपके वॉचलिस्ट पे जरूर होना चाहिए। ऑर्डर बुक अच्छा है, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं वो है वर्किंग कैपिटल को लेके, मार्जिन परफॉर्मेंस को लेके, ये ठीक ठाक होना चाहिए। ऑब्वियसली ये क्वार्टर में एज द इलेक्शन सीजन हैज बिगन, ऑर्डर इनफ्लोज ये क्वार्टर में शायद लैग के साथ आएंगे, बट वंस द इलेक्शन आर ओवर हमें लगता है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑर्डर्स, इंटरनेशनल ऑर्डर्स शुड कम बैक विद अ बैंग। तो हमें लगता है एक लार्ज कैप स्टॉक जहां पे सारे पैरामीटर्स जो हम देखते हैं मार्केट्स में तुम्हें मीट हो रहे हैं, पुल बैक्स पे जरूर देखा जा सकता है। इंटर ग्लोबल एविएशन, क्योंकि अब ये 4% ऊपर और एक बार जरा इसका 52 वीक हाई लो की प्लेट लेकर आइए। मयूरेश, आपसे एक इस पर एक व्यू लेना चाह रहा था मैं कि अब क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि एक केस स्टडी रहा है ये कि एविएशन स्टॉक भी पैसा बना सकता है, लगातार हमारे रेडार पर भी रहा है। फ्राइडे को भी बात हुई थी कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी फ्राइडे को, अब यहाँ पर क्या करें? जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए, मोमेंटम विल कंटिन्यू। आई थिंक दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो नए कैपेसिटी एडिशन कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं वो एक बहुत धीमे पेस पे हैं, और इसलिए जो नई फ्लीट एडिशन होंगी कॉम्पिटिटर्स को लेकर इसको अभी भी समय लगने वाला है, विच प्रोबेबली मीन्स जो मार्केट शेयर है इंडिगो का दैट विल गेट मेंटेन्ड एज फार एज दी डोमेस्टिक कंडीशन आर कंसर्न। फिर आप ये देखिए जो इंटरनेशनल राउट्स हैं इनके, जो अच्छी मार्जिन वाली बिजनेस रहती है, दे आर कंटिन्यूइंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस, नए नए राउट्स ऐड करते जा रहे हैं। और इसके वजह से अगर आप ऑक्यूपेंसी रेशियोज देखेंगे, इफ यू प्रॉपरली लुक एट इन टर्म्स ऑफ द एवरेज एयर माइल्स एज वेल,
और जनरली अगर आप क्रूड देखते हैं जो इनपुट कॉस्ट है इस सारी कंपनीज के लिए, यस थोड़ी स्पाइक जरूर देखी गई है, बट एक अजम्पशन है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्रूड शुड स्टार्ट सेटलिंग डाउन, और क्योंकि 45% होता है इनपुट कॉस्ट का, एक अच्छा खासा अर्निंग्स पे सेंसिटिविटी रहता है। तो मुझे काफी फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर्स करके साबित होंगे, तो मोमेंटम बिल्कुल राइट करें जिनके पास बने।